हे गाइस, वेलकम बैक टू माय डिजिटल फैमिली। तो मैं शुरू करते हैं अपना नया व्लॉग, और आज का व्लॉग सच में इंटरेस्टिंग हो रहा था। आपको क्या लगता है आज मैं वीडियो में आपको क्या दिखाना चाहूँ? आरसीटी, जो कि आपने बहुत सारे देखा हो और बहुत कॉमन चीज है, और क्या फीलिंग, स्केलिंग, कुछ भी ऐसा? बिल्कुल, मैं आपको सबसे हटके आज का वीडियो दिखाने वाला हूँ। क्या दांतों में डायमंड, कुछ ज्वेलरी से हो जाए ना, समथिंग लाइक दैट। तो आज हम दिखाने वाले हैं डायमंड कैसे लगाते हैं दांत पे, वो सारी चीजें। मेरे पास डायमंड था नहीं, और पेशेंट आया और पेशेंट बोला कि सर मुझे डायमंड लगवाना है। तो मैंने कहा कि यार मैं क्या करूं, तो मैंने उज्जवल भैया को फोन किया। मैंने कहा भैया मुझे तुरंत डायमंड चाहिए, क्या आप ला के दे सकते हो? उन्होंने बोला बिल्कुल सर, मैं आपको ला के दूंगा। तो अभी मैं जस्ट अपनी क्लिनिक से बाहर आके, मैं यहाँ पे मॉल है वहां पे वेट कर रहा हूँ बीच में, और पेशेंट को अर्जेंट लगवा के अपने घर महाराष्ट्र जाना है, क्योंकि उसको कहीं आजू बाजू उन्होंने ट्राई किया, बट उन्होंने गूगल पे रिव्यू देखा मेरा कि काम कैसे, तो उस हिसाब से उनको देखा और उनको लगा कि मैं अच्छा करता हूँ, तो डेफिनेटली वो हमारे पास आए हैं और हम आपको लगाएंगे, पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम ना देरी करते हुए आपको आगे ले चलते हैं वीडियो में। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, वो भैया पता नहीं कहाँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है। एक्चुअली पेशेंट को भी थोड़ा अर्जेंट जाना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ लूँ तो लगाऊँ, नहीं तो वो ऐसा ना हो कि मैं ले के रख लूँ, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग, ज़्यादा लोग लगवाते नहीं है। डायमंड है, क्रिस्टा का है, जो भी होगा जैसे मैं आपको शेयर करूँगा पूरी कंपनी के बारे में। पहले मैं चलता हूँ। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, नेहा, डॉक्टर नेहा जो है इसमें स्केलिंग कर रही है, क्योंकि मैं जब तक आ नहीं रहा था मैंने कहा वो क्लीन कर दें। पक्का श्योर है? फिर नेक्स्ट टाइम मैं लगवाऊंगा ना, फिर इधर से तू, इधर से कर रहा है, फिर इधर से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, आप एक बार ये समझ लीजिए आप मार्किंग का, ठीक है ना, चलेगा? ओके, मैं यहाँ पे ज़्यादा भी होल नहीं करेगा, बहुत एकदम मामूली सा शेप बनाएंगे। हमें बड़ से ज़्यादा उसको डीप नहीं ले जाना है, अगर डीप ले जाएंगे तो उस पेशेंट को सेंसिटिविटी वगैरह हो सकती है, क्योंकि हमको दोनों ऑप्शन सोचना पड़ेगा कि आज पेशेंट का मन है डायमंड लगाने का, मान लीजिए कल उसको ऐसा नहीं होता है तो हम फिलिंग करके उसको वापस से रिपेयर कर सके, हमको उतना ही उसको डीप ले जाना है। ठीक है, बेहद केयरफुली इसको करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम उसको बहुत बार बार चेक कर रहे हैं कि हम ज़्यादा तो नहीं जाए, फिर देन पेशेंट से आप पूछ देंगे। हाँ वही तो, आपस अब देखिए, अभी तो मतलब जस्ट डेमो के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है, बट यही रहेगा एग्जैक्टली, बस इसको फिक्स कर दें। आपको ठीक लग रहा है स्माइल? वैसे तो बहुत फ्रंट पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप ये डायमंड देख रहे हैं ये क्रिस्टा कंपनी की है, और इसकी 1 ईयर की हमने सर्विस की पूरी गारंटी ली है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा डायमंड का है, एक बड़े हैं बाकी सारे छोटे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल प्यार से ये हमारे चारों डायमंड हैं इस तरीके से। अभी इसको हम एक छोटा वाला लगाएंगे, क्योंकि बड़े का स्पेस है नहीं, तो हम अभी छोटा वाला ही लगाएंगे। एक बार लगा के देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ थोड़ा सा और जाता है। एक्चुअली इन्होंने इससे पहले भी महाराष्ट्र में कहीं लगवाए थे तो वो निकल चुका था, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बस हम इसको अभी क्या कहें, चीक रिट्रैक्टर लगा दीजिए, क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, और इसको केयरफुली आप उसको लगा लीजिए। पेशेंट कंफर्टेबल है देन आप उसको ट्राई कर लीजिए, पूरा थॉरली एकदम ड्राई होना चाहिए, क्योंकि हम जो अभी फिलिंग लगाएंगे, कंपोजिट लगाएंगे, वो टिकना चाहिए। ये हम क्या करना है, ईचेंट लगा रहे हैं, तो ईचेंट हमने लगाया और उसको कुछ देर तक हम छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद फिर उसको हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। और बार बार आप पेशेंट से मेक श्योर हो जो आप पॉइंट लगा रहे हैं वो सही, ये हमने उसको क्लीन कर लिया एजेंट को। अब वापस से हम उसको क्या करेंगे, बॉन्ड लगाएंगे वहाँ पे। बॉन्ड लगाने के बाद उसको हम फिर क्योर भी करेंगे। देखिए पहले इसको हम ट्राई करके देन हम वापस से उसको चिक रिट्रैक्टर निकाल दिया हमने, क्योंकि हमने उसको धुला था इस वजह से। अब इसको फिर से ड्राई कर लेंगे हम, और ड्राई करने के बाद हम फिर बॉन्ड पे आ जाएंगे। उस अच्छे एरिया में पूरे से अच्छे से आपको बॉन्ड को लगा देना है, जिससे कि ये हम जो आप देख रहे हैं हाथ में ये बॉन्ड है, ये बॉन्डिंग एजेंट है हमारा, तो जिससे कि ये जाके उसमें स्टिक करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा बिल्कुल भी, आपको नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। पूरा हम पुतला उसको बॉन्ड लगा रही है,
बॉन्ड लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, क्योर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको पूरा अच्छे तरीके से आपको क्योर करना है, क्योंकि क्योर नहीं करेंगे तो हमारा जो ज्वेलरी लगा रहे हैं, मतलब डायमंड लगा रहे हैं, वो निकल सकता है। तो मेक श्योर अच्छे से आपकी बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, और बॉन्डिंग नहीं हुई तो आपका निकलने के पूरे पूरे चांसेस बने रहेंगे। तो मेक श्योर इस चीज़ को हम कंफर्म करें। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, हम अपना कंपोजिट लगाते हैं, ठीक है। कंपोजिट लगाने के बाद हम उसको इसके ऊपर डायमंड को प्लेस करेंगे। बहुत केयरफुली आपको करना है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको आप निकाल दीजिए बिल्कुल। देखिए इसको एक तरीके से आप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, अब इसको आप जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ना उसको आप निकाल लीजिए। देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा बॉन्ड के ऊपर, सॉरी कंपोजिट के ऊपर पूरा हमारा स्टिक हो गया है अपनी पोजीशन पे। देख रहा है, स्माइल करिए, है ना, फ्रंट पे ही दिख रहा है। ठीक लगा, पोजीशन वगैरह करेक्ट है? पोजीशन वगैरह तो ठीक है, पर वो निकलेगा तो नहीं? नहीं निकलेगा नहीं, उसके लिए बिल्कुल टेंशन। ब्रशिंग वगैरह थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आज ध्यान दीजिए, बाकी उसके बाद करते हैं। नहीं अभी तो नहीं होगा। हे गाइस, नेक्स्ट हम जो टूथ पे जो डायमंड लगा रहे हैं ऑब्वियसली वो है डॉक्टर नेहा। एक्चुअली डॉक्टर नेहा काफ़ी टाइम से सोच रही थी, तो अभी उनको भी लगा कि हम, मेरे को भी लगवाना है, तो वो खुद लगा रही हैं। तो देखिए जैसा भी होगा मैं रिजल्ट तो दिखा ही रहा हूँ आपको, कैसे क्या लगाना है स्टेप बाय स्टेप, आपको डेंटल ज्वेलरीज का कैसे यूज़ होता है। आगे चल के आपको हम और भी, ऐसा नहीं है अभी डायमंड लगा रहे हैं इसमें, हाँ एक तरीके से और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डेंटल जो डायमंड है वो बहुत प्रकार के आते हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं, कि लाइक जैसे पीच कलर होते हैं, ब्लू होता है, स्काई ब्लू होता है, तो काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। जैसे कि देखिए इनका ये लगाने का पहले का है, आप बहुत अच्छे से, और यकीन मानिए इनके दांतों पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे कि आप देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि कितना फ़र्क आया है सच में। ये तो मैं मानता हूँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में अच्छा लगता है डेंटल डायमंड का, अगर कुछ काम करे तो आप देखेंगे आपको कितना खूबसूरती से उनको दिखेगा। गैस हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, ईचिंग कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें कंपोजिट करते हैं, तो जो लाइट है, जो नॉर्मल हमारी चेयर की लाइट है, वो डायरेक्ट नहीं आने पड़े। अगर इसे आता है ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योर के टाइम हम जो ब्लू लाइट यूज़ करते हैं वही हमको यूज़ करना है, अदरवाइज हमको कोई भी एक्स्ट्रा लाइट इस पर नहीं डालना है बिल्कुल नहीं। सेम जो आपने आगे देखा है सेम वही स्टेप हम उसको दोहरा रहे हैं बहुत केयरफुली से, जिससे कि हमको दिक्कत ना आए, निकले ना हमारा, तो काफ़ी टाइम के बाद तक चले। देखिए इसमें निकलने के चांसेस बने रहते हैं, क्यों बने रहते हैं, देखिए हम कितना भी अच्छा लगाएंगे, बिकॉज पेशेंट ब्रशिंग करेगा, घिसेगा, तो उसको जितना वो देखेगा, उसको संभाल के ब्रशिंग वगैरह करेगा, तो उसके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा और काफ़ी टाइम तक चलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो फोर्स से लगा के अपने दांत को घिस सकता है, तो ये एक डायमंड चीज़ है, तो ऑब्वियसली इसको मैंने वहाँ पे लगाया है तो वो तो निकल ही सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम अब बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो बॉन्ड लगा के फिर इसको क्योर करेंगे, एंड देन उसके बाद हम
अपना कंपोजिट अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ड्राई कर लीजिए इसको, एकदम अच्छे से ड्राई करना है, जिससे कि जो हम बॉन्डिंग कर रहे हैं इसके बाद कंपोजिट करेंगे वो खूब अच्छे तरीके से बॉन्ड बना ले, अच्छे तरीके से मजबूती से फिट हो सके और उसके बाद निकलना है। ये सब चीज़ें के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चाहे जो फिनिशिंग देंगे वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा कि ज़्यादा टाइम टिके रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ड्राई करना, वेट करके उसको क्लीन करना, ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हम जो लाइट है ब्लू लाइट, इससे हम उसको क्योर कर रहे हैं। अभी हम जैसे कि कंपोजिट का यूज़ कर रहे हैं, अब हम कंपोजिट अपना डायरेक्ट उस पर अप्लाई कर दिया, देन इसके बाद हम अपना डायमंड को यूज़ करेंगे। जो एक्स्ट्रा कंपोजिट हो जाता है फ्लो, उसको आप बाहर निकाल दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं जो डॉक्टर नेहा है वो एलआई पे लगाई है और उसने भी एलआई पे लगाया है। ये देखिए हमारा ये डायमंड निकाल के इन पे भी हम लगा देंगे, बिल्कुल केयरफुली, क्योंकि बहुत छोटा रहता है तो ये आप ध्यान रखिए कि ये गिर जाएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी ढूंढने में। तो मेक श्योर इसको आप बहुत केयरफुली से लगाइए, चिपक जाए उसके बाद ही छोड़िए, तो ये आपको ध्यान रखना है। वापस से इसको हम क्योर कर रहे हैं, जैसे कि ये निकले ना, हमने कंपोजिट लगाया, कंपोजिट लगाने के बाद हमने अपना डायमंड लगाया, जो हमने साइज़ सिलेक्शन किया कि ये साइज़ हमको लगाना है, देन उसके बाद हम उसको क्योर कर रहे हैं, अच्छे से क्योर करना है जिससे कि हमारा डायमंड जो हमने लगाया है वो निकले ना, है ना। हमने अच्छे से उसको हर स्टेप में हमने अच्छे तरीके से टाइम दिया है, चाहे वो इचिंग लगाने के बाद, एजेंट लगाने के बाद, फिर हमने ट्राई किया, फिर बॉन्ड किया, फिर बॉन्ड के बाद हमने कंपोजिट प्लेस किया, फिर उसके बाद हमने डायमंड लगाए। तो सारे स्टेप को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया भी है और किया भी है। डेफिनेटली मैं और चीज़ें आपको शेयर करूँगा, तो जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है कि कितने दिन क्या कैसे होना चाहिए। गाइस फाइनली देखिए आपका कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए आप खुद देखिए और खुद डिसाइड करिए कि सच में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप यूँ ऐसे देखिए कितना क्यूट लग रहा है रियली। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।